दोस्तों नमस्कार, आप सभी को जय श्री महाकाल, हैप्पी महाशिवरात्रि। आज खुशियों का दिन है आप सभी के लिए। कुछ लोग बहुत दुखी होंगे, उनके लिए भी मैं कुछ बात करूंगा। और जो बच्चे जिनका क्वालिफाइड नहीं हुआ है या जिनका 13% में नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे, लगभग कितना कट ऑफ अभी तक गया है, मतलब कितने कम नंबर वाले लड़के मिले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे यहाँ तक साथ दिए या आपके साथ मैं रहा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो कोई बात नहीं, आगे मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी आएगी, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी भी आएगी ही आएगी। आपको पता है कि आए दिन जो है हर राज्य में दंगे फसाद और उत्पात होते जा रहे हैं, प्लस धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह होते जा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की भूमिका अति आवश्यक होती है। ठीक है, अभी आप पुलिस के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कल चल के आप पुलिस बन जाओगे, फिर वही धरना प्रदर्शन करने वालों को आप रोकोगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ कितना रहा। अब आगे की फिजिकल की प्रक्रिया आपकी क्या होगी, एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आपका नाम 83% में हो, चाहे आपका नाम 87% में हो, आपको 100% रनिंग करना है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से सोच लीजिए। हाँ, लेकिन आप फिजिकल कभी भी हो उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप श्योर हो, 100% श्योर हो कि आपका नाम आ गया है तो आपको दौड़ना है। अभी मैं बताऊंगा क्या मायने हैं दोनों चीजें के। अभी तक मैंने एनालिसिस किया है, इसमें जो है एक एससी कैटेगरी जो है, एससी कैटेगरी में 70 नंबर वालों का भी हुआ है। ठीक है, 71। ठीक है, इसके अलावा 69 नंबर का भी एससी कैटेगरी में हुआ है। अब और बता रहा हूं, कुछ 71-72 वालों का भी नहीं हुआ है या 13% में डाल दिया है उनको। ठीक है, अब याद रखना, जिनके इतने में हो गया है ना, तो यूं समझ लेना कि उनका 3 से 4 नंबर बढ़ चुका है। ठीक है, जिनका इतने में हो गया है, इतने में हो गया है, तो उनका नंबर बढ़ करके हुआ है, या तो जिनके 73-74 रहे होंगे तो उनके घट करके हुआ है। ठीक है, अब जिसका 71 नंबर था, सर मेरा नहीं हुआ है, इसका मतलब समझ लो कि आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुआ है। ये आपको कब पता चलेगी, अगली लिस्ट में आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इसी के जस्ट बाद में अगर मैं बताऊं आपको, तो एसटी कैटेगरी की मैं बात बताऊं, एसटी कैटेगरी में 60 नंबर वालों का हुआ है, 62 का हुआ है, 68 का हुआ है। एसटी कैटेगरी खास करके मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें जिसका मान लो 56-57 भी रहा होगा, 3-4 नंबर बढ़ गए होंगे, तो वो क्वालिफाइड हो गया है। ठीक है, 62 नंबर, 68 नंबर, इन पर एसटी कैटेगरी में क्वालिफाइड। अभी तक ओबीसी की अगर मैं बात बताऊं, तो एक बंदा 73 वाला मैसेज किया था कि सर मेरा 73 नंबर है और मैं क्वालिफाइड हूं, वो भी कितने कितने में, 87% में। ठीक है, 87% में क्वालिफाइड है। एक 72 वाला है, उसका है कि 13% में। इसका मतलब है कि जो 73 से कम वाले हैं, कुछ बच्चे 72-71 तक, तो उनको मुझे लगता है 13% में डाल दिया, और बाकी 73 नंबर जिसका है उसके बाद वाला जो है ओबीसी कैटेगरी में, उसको 87% में डाला है। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि 87 वालों का क्या फायदा है, 13 वालों का क्या फायदा है, और इसमें आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का अभी तक मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मैसेज नहीं आया है। जनरल कैटेगरी का मैसेज आया था, तो जनरल कैटेगरी में जो है 75 वालों का हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा 75 में तो 13% में भी रखा है, लेकिन कुछ का 75 से बढ़ के 76-77 हो गया है ना, तो इनको 87% में डाल दिया है। ठीक है, इनको 87% में डाल दिया है। बड़ा सोच समझ के, बड़ा ही चतुराई तरीके से ईएसबी ने रिजल्ट जारी किया है। ठीक है, बिल्कुल, यानी ऐसा किया है कि आगे फंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ईएसबी को पता है कि जब हमारे समय में हुआ था उसके लिए उनको बहुत झेलना पड़ा था अगले 5 साल बाद में। ठीक है, क्योंकि आप गलत करोगे तो कभी ना कभी बच्चे केस लगा ही देंगे। अभी भी यदि आपके साथ गलत हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा, 100% पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बता दूं मैं, फिजिकल पर आपको पूर्णतः ध्यान देना है, चाहे वो 13% में हो, चाहे 87% में हो। 87% वाले को अभी फिजिकल में बुलाएगा, 13% वाले को भी फिजिकल में बुलाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 87% वाले हैं, 87% वालों का अभी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी, 87% वालों की ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी, लेकिन 13% वालों की ज्वाइनिंग अभी नहीं होगी, जब तक आरक्षण का केस लटका हुआ है। अभी आरक्षण का केस थोड़ा सा लंबा चलेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ओबीसी वालों का कहना है कि हमको 27% चाहिए,
जनरल वालों का कहना है कि उनको 27% दे दोगे तो हमारे पास तो कुल 33 ही बच पाएंगे, और जितने पूरे ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सबके सब आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर से इस मामला को जैसे तैसे मान लो ओबीसी के मान के चलो कि मैं मान रहा हूं कि ओबीसी के पक्ष में चला जाता है, आज नहीं तो आज से 10 साल बाद भी आप चाहे बूढ़े ही क्यों ना हो जाओ, ठीक है, आपकी उम्र 30, 35, 40 ही क्यों ना हो जाए, आपको 10 साल बाद भी नौकरी मिलेगी। मान लो कि अभी मान लो जातिगत जनगणना नहीं हुई और मामला फंसा रहा, आज के मान लो 5 साल बाद या 10 साल बाद जातिगत जनगणना होती है और ओबीसी को आरक्षण 27% मिल जाता है, मान लो कि आप अभी फिजिकल नहीं दोगे लेकिन उस टाइम जाकर के फिजिकल अभी फिजिकल देके क्वालिफाइड हो जाओगे, तो आज से 10 साल बाद आपके घर में कॉल लेटर आएगा कि आपने पुलिस का पेपर दिया था और इसमें आपका नाम आया था। ठीक है, इस ये पद जो है सीधा बैकलॉग में चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज, अगर से मान लो यूआर वालों के पक्ष में चला जाता है, अभी यूआर वालों के पक्ष में चले जाए, चलो ओबीसी वाले मिलकर के बोल दे कि सर आप तो हटाओ, इसमें हर बार झंझट होगा, इसीलिए सीधे यूआर के पक्ष में कर दो, ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें क्या होगा, अभी बहुत सारे बच्चों का फायदा हो जाएगा। और यूआर के पक्ष में चला गया तो यूआर वालों का तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं और 13% में जो है, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं 13% के यूआर में नाम आ गया है तो उनको ज्वाइन इसमें सीट मिल जाएगी, एसटी वालों को भी मिल जाएगी इसी में, एससी कैटेगरी वालों को भी मिल जाएगी इसी में। ठीक है, तो वो आपके लिए फायदे की बात हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस को भी इसी में मिल जाएगी, इस प्रकार से जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल तो आप कर रहे होंगे, अब फिजिकल अभी मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि फिजिकल हो जाए, अगर हो भी जाएगा तो आप तो पिछले 6 महीने से दौड़ रहे हैं। ठीक है, हमने तो किसी को दौड़ने के लिए रोका नहीं है, पहली बात है। ठीक है, हम तो बिल्कुल सलाह दिए थे कि यदि आपको लगता है तो अपने हिसाब से 100% लगता है तो दौड़िए, नहीं लगता है तो मत दौड़िए। हाँ, लेकिन हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, एससी कैटेगरी का जो बताया था 65 नंबर, एसटी कैटेगरी का बताया था 60 नंबर, ओबीसी का 65+ बताया था, ठीक है, और जनरल कैटेगरी का 68+ बताया था। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो है 75 गया है यहाँ से, ठीक है, 6, 7 नंबर, 5 नंबर जिसके बढ़े होंगे मान लो, तो उसके चांसेस थे, इसीलिए हम इतना कट ऑफ बताए थे। ओबीसी कैटेगरी में 65+, एससी में 65+ बताया था, ये अपना सफल रहा क्योंकि एससी कैटेगरी में 69, 70, 71 पे हो गया। एसटी कैटेगरी तो पूर्णतः सफल रहा क्योंकि एसटी कैटेगरी में जो है इतने नंबर पर आसानी से हो गया है लड़कों का। ठीक है, अब बात करें फिजिकल की, आपको अपना हाथ पैर बचा करके एकदम ध्यान से फिजिकल करना है। आगे की जानकारी मैं आपको बहुत जल्दी से देने वाला हूँ कि ग्राउंड में आप कैसे टाइम मेंटेनेंस करेंगे और कब जो है गोला कितना फेंकना है आप सभी को, और किस प्रकार से गोले फेंकने की टेक्टिस होती है, मैं कोशिश करूंगा कि यह वीडियो आपके पास ग्राउंड से मैं आपको लाइव बना करके दिखाऊं। लॉन्ग जंप की भी टेक्टिस होती है, टेक्टिस भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिजिकल एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप भी 4-6 महीने से फिजिकल कर रहे हैं तो आपको पता होगा। आने वाले सभी वैकेंसीज की जानकारी मैं आपको जरूर देते रहूंगा, इसके लिए आप मेरे पर विश्वास बना करके रखिए। चैनल ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए, आप सभी को फिर से मेरा एक बार राम राम, जय हिंद, जय जोहार, भारत माता की जय।